सहवास मात्र एक शब्द ही नहीं बल्कि विज्ञान पर आधारित एक ऐसी क्रिया है जो दो व्यक्तियों के बीच शारीरिक और यौन संबंधों को मुकम्मल बनाता है। इस संबंध में विश्व के तमाम देशों में प्राचीन काल से ही अनेक शोध तथा पुस्तकों का लेखन किया गया है। जम्बूद्वीप के उत्तर मौर्य काल में वात्स्यायन ने शारीरिक एवं यौन संबंधों पर आधारित पुस्तक कामसूत्र लिखी। संस्कृत भाषा में लिखित यह पुस्तक 5 अध्यायों में बटी हुई है और जिसमें 600 श्लोक संकलित हैं। लेखक वात्स्यायन का अधिकांश समय वैश्यालयों में ही बीतता था। अपने शोध के आंकड़े जुटाने के लिए वह गुप्त रूप से ग्राहकों के कमरों में झांकते फिरते थे। जब युगलों द्वारा की गई शारीरिक क्रियाएं संतुष्टि की कसौटी पर खरी उतरती थी तभी उन क्रियाओं के बारे में वे अपनी पुस्तक में लिखते थे। उन्होंने संतुष्टि के लिए ह्यूमन बिहेवियर और उनकी अभिव्यक्तियों को काफी हद तक जिम्मेदार माना है। वात्स्यायन विश्व के ऐसे पहले सेक्सोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सहवास को खेल माना है और जिसमें जीतने के लिए खिलाड़ियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उन्होंने विजय प्राप्त करने के लिए काम कला के 64 सूत्र यानी फॉर्मूला दिए हैं जिन्हें उन्होंने काम सूत्र नाम दिया है और यह भी बताया है कि अपने प्रतिद्वंदी पर भारी पड़ने के लिए ज़रूरत के मुताबिक सूत्र यानी फार्मूले को बदलते रहना चाहिए। अपने प्रतिद्वंदी पर एक ही सूत्र का प्रयोग करने वाले खिलाड़ी शीघ्र परास्त होकर कुंठा और अरुचि के शिकार हो जाते हैं। वहीं भारत एक ऐसा देश रहा है जहां काम कला और यौन क्रियाओं पर खुलकर बात होती थी। लगभग प्रत्येक बड़े साम्राज्य में सेक्स एजुकेशन के लिए विद्यालय हुआ करते थे जहां राजसी परिवार के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाती थी और विशाल मंदिरों के निर्माण के समय मिथुन मूर्तियों को उत्कीर्ण किया जाता था। सोचिए उस समय का भारतीय समाज सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से कितना उच्च कोटि का रहा होगा जो यौन संबंधों से संबंधित अनेक वर्जनाओं को तोड़ने का काम करता था। ब्रिटिश भारत में ब्रिटेन के एक विद्वान सर रिचर्ड फ्रांसिस बर्टन ब्रिटिश फौज में अधिकारी बनकर भारत आए। कहा जाता है कि वे विश्व की 29 भाषाओं को पढ़ लिख और बोल सकते थे। वे भारत में लगभग 7 वर्षों तक रहे। इस दौरान उन्हें भारत की सांस्कृतिक विरासत को समझने का अच्छा अवसर मिला। ब्रिटेन वापस लौटने पर 1883 ईस्वी में उन्होंने कामसूत्र का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। जिस दौर में भारत यौन क्रियाओं संबंधी समस्याओं पर खुलकर बातें करता था उस दौर में ब्रिटेन सहित समस्त यूरोप में ऐसी चर्चाओं पर जेल की हवा खानी पड़ती थी। इसके लिए ब्रिटेन ने बाकायदा 1857 ईस्वी में अश्लील प्रकाशन अधिनियम कानून को लागू किया और सेक्स तथा सेक्सोलॉजी पर आधारित पुस्तकों को भी अश्लील घोषित कर दिया। इसका उल्लंघन करने वालों को कठोर सजाएं दी जाती थी। बर्टन ने कामसूत्र को प्रकाशित करने के लिए फोस्टर अबुर्थनॉट के साथ मिलकर कामशास्त्र सोसाइटी बनाई। इस सोसाइटी ने अपने सदस्यों के लिए गुप्त रूप से कामसूत्र किताब की बुकिंग शुरू की और 1000 प्रतियां छापने के लिए बर्टन को पर्याप्त अग्रिम धन राशि मिल गई। उन्होंने किताब की शुरुआत इस वाक्य से की कि वही करो जो तुम्हारी मर्दानगी तुमसे कहती है, किसी और से नहीं बल्कि स्वयं प्रशंसा की अपेक्षा करो। बर्टन की प्रसिद्ध पुस्तकों में वे पुस्तकें शामिल हैं जो जमाने की नजर में अश्लील मानी जाती हैं। उन्होंने अरेबियन सेक्सोलॉजी पर आधारित पुस्तक द परफ्यूम्ड गार्डन लिखी जबकि 1885 ईस्वी में उन्होंने द बुक ऑफ 1000 नाइट्स एंड ए नाइट लिखी। उन्होंने कामसूत्र में लिखा है कि अंग्रेज औरतों की अपेक्षा भारतीय महिलाएं जल्द ही पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। उस समय वे तरह तरह की भावभंगिमाएं बनाती हैं। उनकी आंखें, होठ और शारीरिक गतिविधियों के इशारे प्रेषित व्यक्ति के अलावा कोई और नहीं समझ सकता। उनका कहना था कि भारतीय महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाने में अंग्रेज काफी फिसड्डी साबित होते थे। उनकी यौन क्षमता कमजोर थी
बर्टन ने अपने देश के लोगों को यौन अक्षमता को दूर करने के लिए पान सुपारी चबाने, हुक्का सिगार पीने और खास शरबत को इस्तेमाल करने की सलाह दी। उसने इन खूबियों को हिंदू रिटेनिंग आर्ट नाम दिया। वह लिखता है कि दिल्ली के अंग्रेज अफसर दिन में बड़े सख्त रहते थे, पर रात होते ही वह मुगलिया अंदाज में पहनावा पहनकर और हाथियों पर सवार होकर दिल्ली के तवायफ खाने के भ्रमण पर निकल जाते थे। दिल्ली के ऐसे अंग्रेजों को वाइट मुगल कहा जाता था। वही यूरोप अल्फ्रेड किंसले को 19वीं शताब्दी का आधुनिक वात्स्यायन मानता है। किंसले ने सहवास की प्रत्येक क्रिया के साथ साथ प्रीमेच्योर इजेक्युलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मास्टरबेशन, समलैंगिकता और बाइसेक्सुअलिटी जैसे तमाम विषयों पर अपने शोध में गहन चर्चा की है। 1935 ईस्वी में अल्फ्रेड किंसले ने यौन संरचना और विज्ञान की व्यापक अज्ञानता शीर्षक के माध्यम से इंडियाना विश्वविद्यालय में अपनी पहली सार्वजनिक चर्चा की। उन्होंने कहा कि सहवास के समय आपका पसंदीदा पार्टनर जितना ज्यादा उत्तेजित और जंगली प्रवृत्ति का होगा, वह खेल में आपके जीतने की इच्छा शक्ति को और प्रबल कर देगा, और यही प्रवृत्ति यौन संतुष्टि का मूल सूत्र है। किंसले विलंबित यौन अनुभव के लिए विलंबित विवाह को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि तब तक खेल खेलने की सबसे अच्छी उम्र बीत चुकी होती है और अंत में सिर्फ आरोप प्रत्यारोप रह जाते हैं। 1948 में किंसले ने अपनी पुस्तक सेक्सुअल बिहेवियर इन द रोमन मेल प्रकाशित की, तो 1953 ईस्वी में उन्होंने सेक्सुअल बिहेवियर इन द रोमन फीमेल प्रकाशित की। दोनों ही बेस्ट सेलर बुक थी। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि समलैंगिक व्यवहार को कलंकित किया गया है, बल्कि इसे तो बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है, फिर वो चाहे गे के नाम से जाना जाता हो या फिर लेस्बियन, इससे क्या फर्क पड़ता है। ये तो जन्मजात मनोवृत्तियां हैं, इसे हम मानसिक बीमारी का नाम नहीं दे सकते। किंसले ने किशोरों की सहवास शक्ति के गणितीय आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। इन आंकड़ों और बेहतरीन सेक्स परफॉर्मेंस के डेटा को जुटाने के लिए उन्होंने 15 से 25 आयु वर्ग के जोड़ों का चयन किया था। वे अपने अधिकतर शोध डेटा आमने सामने के साक्षात्कार और प्रयोगों के आधार पर जुटाते थे। किंसले को व्यापक रूप से अमेरिकी सेक्सोलॉजी में पहला प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। उनके शोधों ने सेक्सोलॉजिस्ट और आम जनता के बीच कामुकता की गहन खोज का मार्ग प्रशस्त करने के साथ साथ महिला कामुकता को मुक्त करने में मदद की। वे इस बात को मुखर होकर कहते थे कि सहवास पर आधारित कोई भी शासकीय नियम कुंठा उत्पन्न करते हैं, जो समाज में टैबू को जन्म देते हैं। सहवास को स्वतंत्र, स्वच्छंद और नैसर्गिक प्रवृत्ति पर आधारित होना चाहिए। किंसले ने सेक्स के लिए वही किया जो कोलंबस ने भूगोल के लिए किया था। हजारों वर्ष बाद ही सही वात्स्यायन के सहवास सूत्रों को अब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल गई है। दरअसल स्वीडन विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने सेक्स को खेल के रूप में पहचान दी है। 8 जून को स्वीडन ने यूरोपियन सेक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की है। यह खेल कई हफ्तों तक चले। हर मैच में एक्टिविटी के लिए 45 से 1 घंटे का समय दिया गया। विश्व के अलग अलग देशों से 20 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। इसका लक्ष्य खेल के रूप में सेक्स के बारे में खुली चर्चा को बढ़ावा देना है।